दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत की टीम ने अपना पहला मैच खत्म कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में जाएगी और भारत का अगला मैच किस तारीख को कितने बजे से कौन सी टीम के खिलाफ स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप वर्ल्ड कप का पॉइंट टेबल मैच खत्म होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में आज का ब्लॉकबस्टर मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पे भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने काफी शानदार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ 199 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और अब यह मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के नए पॉइंट टेबल को। तो वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पे है गत विजेता यानी कि जॉस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम और इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ एक मैच खेला जिसमें उसे न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से इंग्लैंड टोटल 1 में से 1 मैच हार जाने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इंग्लैंड का नेट रन रेट -2.149 है और इंग्लैंड को आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी इंग्लैंड सेमीफाइनल में जा पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है श्रीलंका की टीम और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ 1 मैच खेले जिसमें श्रीलंका की टीम को दक्षिण अफ्रीका ने 100 से ऊपर रनों से हरा दिया। तो इस वजह से श्रीलंका की टीम टोटल 1 में से 1 मैच हारने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पे है और श्रीलंका का नेट रन रेट -2.040 है और श्रीलंका की टीम आने वाले मैच में पाकिस्तान को हराना चाहेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है नीदरलैंड की टीम और नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 मैच खेला और इस मैच में नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान से। तो इस वजह से नीदरलैंड टोटल 1 में से 1 मैच हारने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पे है और नीदरलैंड का नेट रन रेट -1.620 है और नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप की सबसे वीक टीमों में से एक है। तो आपके हिसाब से क्या कितना परसेंट चांस है कि नीदरलैंड सेमीफाइनल में जाएगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 मैच खेला और इस मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश की टीम ने हरा दिया। तो अभी अफगानिस्तान टोटल 1 में से 1 मैच हारने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पे है और अफगानिस्तान का नेट रन रेट -1.438 और अफगानिस्तान की टीम को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो इनको आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा पाएगी। हालांकि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी इस बात के बहुत ही रेयर चांस है। इसके बाद पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे सफल टीम और आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 मैच खेला और आज वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खराब बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 199 रन बनाए और भारत की टीम ने इस टारगेट को कंप्लीट कर लिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 1 में से 1 मैच हारने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट -1.000 है और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में मजबूत भारत से हार चुकी है। तो आने वाले मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार प्रदर्शन करके सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस बार सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, कमेंट में बताएं। इसके बाद
बाद पॉइंट टेबल में पांचवें स्थान पे है रोहित शर्मा की कप्तानी वाली। और आज के मैच की विनर यानी कि भारत की टीम, और भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ एक मैच खेला जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जहां पे इस मैच में भारत की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इस लक्ष्य को आसानी से कंप्लीट भी कर लिया। तो भारत की टीम अभी एक में से एक मैच जीतने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पांचवें स्थान पे है और भारत की टीम का नेट रन रेट +1.000 है और भारत जितनी मजबूत टीम है मेरे अकॉर्डिंग ये टीम 100% वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाकर के रहेगी। आपके हिसाब से क्या भारत वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं। और भारत की टीम अपना अगला मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दोपहर 2 बजे से खेलेगी और इस मैच में भी टीम इंडिया जीतेगी इस बात के बहुत ही ज्यादा चांस है। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पे है साकिब अल हसन की कप्तानी वाली यानी कि बांग्लादेश की टीम, और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया और इस मैच में बांग्लादेश के बैट्समैन और बॉलर दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो अभी बांग्लादेश की टीम टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पे है और बांग्लादेश का नेट रन रेट +1.438 है और बांग्लादेश की टीम को सेमीफाइनल में जाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश सेमीफाइनल में जाएगी इसके काफ़ी कम चांस है क्योंकि बांग्लादेश उतनी मजबूत टीम नहीं है। इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे है बाबर आजम की कप्तानी वाली यानी कि पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और ये मैच उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ खेला था और इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड को हरा दिया। तो इस वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे है और पाकिस्तान का नेट रन रेट +1.620 है और पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी मजबूत है। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद पॉइंट टेबल में सेकेंड स्थान पे है यहाँ पे टेम्बा बबुमा की कप्तानी वाली यानी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम, और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों ने शानदार शतक लगाया था जिसके चलते अफ्रीका 428 रन बनाने में सफल रही और श्रीलंका की टीम लगभग 100 से ऊपर रनों से ये मैच हार गई। तो इस वजह से दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में श्रीलंका को हरा दिया। तो वर्ल्ड कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पे मौजूद है और दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट +2.040 है और दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में जाने के लिए इस साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा तभी दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जा पाएगी। वहीं पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे है वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीमों में से एक यानी कि न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और इस मैच में इन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम को 9 विकेटों से हरा दिया था, जहां पे इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से रचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे ने शानदार शतक लगाया था। तो इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को हराने में सफल रही। तो अभी न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 में सिर्फ एक मैच खेली है, तो एक में से एक मैच जीतने के चलते 2 अंकों के साथ न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +2.149 है। और न्यूजीलैंड जिस तरीके की मजबूत टीम है मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में 100% जाएगी। तो आपके हिसाब से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में कौन कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेगी, आप 4 टीमों का नाम कमेंट में जरूर बताएं। और न्यूजीलैंड की टीम अपना अगला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी और इस मैच में केन विलियमसन नहीं खेलेंगे। तो यह था वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।